सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज मैं पहुंच चुका हूं राहुल केला, और बहुत दिनों से मैं सोच रहा था दोस्तों राहुल केला का हिल टॉप आने के लिए, लेकिन दोस्तों टाइम के चलते नहीं हो पा रहा था। लेकिन फाइनली आज मैं पहुंच चुका हूं राहुल केला। एक्चुअली दोस्त का एक एग्जाम था, उसको ड्रॉप कर दिया उसके सेंटर में, और अभी मैं पहुंच चुका हूं राहुल केला का हिल टॉप। और दोस्तों प्रवीण भाई भी है साथ में, क्योंकि उनका घर नीचे ही है हिल टॉप के पास में, तो मैं उनको फोन किया और बुलाया। तो मिलिए प्रवीण भाई से। जय जगन्नाथ। तो दोस्तों अभी मुझको प्रवीण भाई घुमाने के लिए लेके चल रहे हैं हिल टॉप के साइड, और ऊपर से जो व्यू आ रहा है ना दोस्तों बहुत ही ऑसम। तो यहाँ से देखिए व्यू, वहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा एक स्टेडियम है, और वो दोस्तों बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम है, और उसके सामने ही आपको दिख रहा होगा एक बड़ा सा फ्लैग जो कि अम्बागान में है, उस साइड में है जो इंटरनेशनल स्टेडियम है जहाँ पे हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है। आज का जो वीडियो है ना, अगर आप राहुल केला आ रहे हो हॉकी वर्ल्ड कप के लिए घूमने के लिए देखने के लिए, तो एक छोटा सा प्रयास है मेरा कि आपको दिखाने का कि क्या सब कुछ है राहुल केला में। यहाँ पे आप जरूर विजिट करें, बहुत ही ऑसम व्यू आता है राहुल केला का। ऊपर से यहाँ पे क्या होता है ना, दोनों साइड आप देख सकते हो, इस साइड दोस्तों सेक्टर एरिया है, और सामने के साइड आपका बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, और दोस्तों जो RSP है राहुल केला स्टील प्लांट वो सामने है। तो यहाँ से चलते हैं वहाँ, और जिस साइड हम लोग जा रहे हैं ना वहाँ से अच्छा व्यू आता है, तो वहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? तो चलिए चलते हैं। और दोस्तों मैं ना इंस्टाग्राम रील्स वगैरह में मैं देखा था यहाँ का जो व्यू है मानसून में गजब का होता है, मैं नहीं आ पाया, उसका मुझे अफसोस है, लेकिन इस साल ना मानसून में ज़रूर आना है यहाँ पे घूमने के लिए, बारिश होने से पहले और बारिश होने के बाद जो व्यू आता है ना, दिल को ठंडक मिल जाएगा। राहुल केला का बेस्ट व्यू उस टाइम पे आएगा, क्योंकि जो दूसरे टाइम पे ना डस्ट डस्ट रहता है राहुल केला स्टील प्लांट की वजह से, तो ज़्यादा दूर तक जो है विजिबिलिटी नहीं रहता है। तो ट्राई कीजिएगा मानसून के टाइम में आने के लिए, नहीं तो मैं दिखा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा उसके लिए। और अब ये हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा ट्रैक करना पड़ेगा वहाँ से गाड़ी छोड़ने के बाद, जो BSNL ऑफिस है, ठीक है? और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, यहाँ से नीचे दोस्तों वैष्णो देवी टेम्पल है, और दोस्तों यहाँ पे देखिए एक मंदिर बनाया जा रहा है जिसका जो डिज़ाइन है वो सिबलिंग स्ट्रक्चर का है, हालांकि वो कंप्लीट नहीं हुआ है, अगली बार आऊँगा तो दिखाऊँगा आपको। और यहाँ से देखिए वो रहा राहुल केला का रेलवे स्टेशन, और देखिए दोस्तों वो रहा राहुल केला स्टील प्लांट, और वो देखिए दोस्तों बिरसा मुंडा मल्टीपर्पज स्टेडियम, और उसके साइड में ही है बस स्टैंड। जब दोस्तों मैं सिटी कर रहा था तो हम लोग यहाँ पे घूमने के लिए आए थे, और मुझे पता नहीं था कि हिल टॉप जाने के लिए ऐसा रास्ता है बाइक में आते हैं बोल के। हम लोग आए थे वैष्णो देवी टेम्पल, और उधर से ट्रैक करके ऊपर आए। दोस्तों पूरा पसीने में भीग चुके थे हम दोनों, और मेरे दोस्त के साथ आए थे, और मैं सोच रहा था और दूसरी बार नहीं आऊँगा। मतलब मुझे पता नहीं था कि इस साइड में बाइक से भी आ सकते हैं, तो अगर आप हिल टॉप आ रहे हो तो वैष्णो देवी टेम्पल के साइड से आओगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है आपको। तो दोस्तों अभी यहाँ से थोड़ा ड्रोन शॉट लेते हैं और आपको दिखाते हैं ड्रोन से कैसा है ऊपर से व्यू। तो अभी जो कीजिए आप यहाँ का ड्रोन शॉट।